बैटल है और एक प्रॉपर 4v4 हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को टीम सोल वर्सेस टीम गॉडलाइक हमें एंडिंग सर्कल में होता देख सकता है। दैट्स अगेन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन। टीम सोल टीम गॉडलाइक दोनों के तरफ प्लेयर्स बहुत सारे, दोनों के दोनों टीम्स अभी भी जीवित हैं। टीम गॉडलाइक की बात करेंगे, चारों खिलाड़ियों के साथ जीवित, टीम सोल चारों प्लेयर्स के साथ जीवित, एक खिलाड़ी कहीं तो छुपके बैठा है, एक खिलाड़ी किसी तो टीम को छुपके बैठा है, चीज समझ आ चुकी है दोनों ही टीमों को। बट वहीं अगर बात करेंगे ओमेगा की, ही इज ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड। ओमेगा एमओ थोड़ी सी मुझे एके में कम दिखी जरूर से, बट रेडॉट के साथ लेके चलाना था कि मुझे आज तक समझ नहीं आई भाई, मैं तो होलोग्राफिक के साथ यूज कर रहा फिर आयरन साइड के साथ। बट ओमेगा अभी के लिए यहाँ पे अपनी M4 का कमाल दिखाते हैं, अच्छी स्प्रे यहाँ पे जाएगी, रियो को करेंगे डाउन। टीम गॉडलाइक एक खिलाड़ी डाउन है, टीम गॉडलाइक एक कैजुअलिटी आती दिखी है और इसका मतलब कि टीम सोल के पास एक ओपनिंग है। या तो आप डेस्परेट मूव करिए रियो को बचाने के आगे बढ़े, या फिर आप सर्कल के अंदर जाने की एक गलती करिए और वहीं स्प्रे डाउन आते दिखेंगे टीम सोल साइड। दोनों तरफ से दो बगियां निकलती दिखने वाली है और अब यहां पर ढूंढना की कनेक्शन कौन लेके जाएगा। और लीजिए टीम सोल वापस से कनेक्शन, ओमेगा गेटिंग दिस सेकंड वन, शैडो का यहां पर कंफर्मेशन आता दिखेगा शैडो से। और जी हां बिल्कुल कंफर्मेशन, ओमेगा ने गिराया सी गॉड को, ओमेगा ने गिराया शैडो को और यहां पर हेक्टर का कमाल को भी करके डाउन। एक आखिरी खिलाड़ी समापन उनका भी अक्षत के हाथों, टीम सोल विनिंग दिस वन। टीम आई वुड से दिस, अक्षत इज बैकबोन ऑफ टीम सोल, उन्हें यहां पर डाउन किया। नियो ट्राइंग इज बेस्ट बट वो नेट निकलने से पहले नियो को डाउन किया जाएगा। ओमेगा आएंगे जरूर, कोशिश की बढ़िया स्प्रेस ना ली, एक प्लेयर को नॉकआउट किया बट क्या हेक्टर विल बी द वन जो कि सप्रेस करेंगे, उठा के गाड़ी में बैठा के इधर से निकालना चाहेंगे बट क्या वो चीज सक्षम हो पाएगी, क्या वो चीज पॉसिबल हो पाएगी? आई डोंट थिंक सो, ओमेगा इसमें सक्षम रहेंगे क्योंकि जिस तरीके से पुश करने की कोशिश है बट हेक्टर द कवर फाइव वाज गुड, बचा लिया ओमेगा को लेकिन नियो को नहीं बचा पाए। लेकिन मैं दिखाया हेक्टर ग्रेनेड का इस्तेमाल करेंगे लेकिन हैदराबाद हाइड्रास के कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और वहीं पे टीम सोल बहुत ज्यादा मुश्किल में। हैदराबाद हाइड्रास क्लोज इन कर रहे हैं, सामने की तरफ प्लेयर को स्पॉट किया गया, हेक्टर वापस से फॉल बैक करते हुए लेकिन यहाँ पे हैदराबाद हाइड्रास का स्क्वाड पुश करते जा रहा है एंड दैट विद दैट फ्रैग हैदराबाद हाइड्रास टीम सोल को एलिमिनेट करती हुई एंड स्पैम चलते हुए, मोर्टॉफ्स चलते हुए, स्प्रेज आते हुए, द कर्व फायर इज आल्सो कमिंग इन। क्या इन सब चीजों का फायदा रेकनिंग उठा सकती है, क्या इन सब चीजों का एक बड़ा वैल्यू निकाल सकती है वो टीम, अब ये एक देखने वाली बात रहेगी जरूर से। बट अगर बात करें हम यहाँ पर टीम गॉडलाइक की, दे आर नॉट सेफ। जॉनथन यहाँ पर वो भी नॉकआउट होते हुए, दो प्लेयर्स एक कार्य लगातार नॉकआउट होंगे और HH के सैयद की मोर्टॉफ जो जीगॉड को भी कंफर्म करेगी। क्या लग रहा है कि मारो HH की टीम का मुझे लग रहा है वहां पर एलिमिनेशन देखने को मिलता नजर, बट ये क्या था, एलिमिनेशन हुआ है कि नहीं? जी हाँ, तीनों खिलाड़ी भी किससे कम है नहीं यहाँ पर। शेक वो एक दूसरे की बगी को यहाँ पर थोड़ा सा खतरे में आ सकती है पूरी की पूरी टीम। गॉड्स के ब्लेज सही समय पे सही चीज का फायदा उठाएंगे, प्लेयर को स्पॉट किया जाएगा बट डाउन हो चुके ब्लेज, उस समय पे टीम को कॉल आउट हो चुका है। गॉड्स रिन टीम सोल को एलिमिनेट करती हुई देखने को मिल रही है। ओमेगा के सामने ग्रेनेड्स पे ग्रेनेड्स थोड़ा सा आप देख सकते हैं फटते हुए नजर आ रहे, अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे द सोलो प्लेयर From his team. अगर आप देखेंगे लूट, आप देखिए 14 फर्स्ट एड किट्स है, मतलब वो सेकेंडरी प्लान जो बैकअप प्लान रहता है आपका डॉक्टर डॉक्टर बनने का, वो भी बन सकते हैं यहाँ पर कभी भी जरूरत पड़गी तो। ओमेगा दो फर्स्ट एड किट उनके पास है, 9 फर्स्ट एड किट ओमेगा के पास है, चलिए #2 तो टीम सोल के पास चलेगा, उस पर कोई दोहरा नहीं है। फिर पता है यहाँ पर कि ओमेगा तो है पक्का लेकिन WS के बारे में कुछ भी जानकारी उनको है नहीं, तो चलिए #2 टीम सोल के पास और जैसे ही एक प्लेयर कम होगा तो समझ जाएंगे। मेरे ख्याल से ओमेगा भी देखिए इतने स्मार्ट है, उनको पता है कि अब हील बैटल की जरूरत अब है नहीं बची। Fixed upon the web, I need to kick the habit that my mind is free.